हम रिसेंटली एक पर्चा भी छापे थे मराठी में, उसमें लिखे थे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है उसके विरोध में ये इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। दोस्तों ये सभी ध्यान से सुनिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन टैम्पर होता या नहीं होता, इससे भी बड़ा सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वास्तव में जनता के फेवर में है, ये सच है या गलत, ये टैम्पर होता या नहीं होता, ये हमारे दृष्टि में बहुत छोटा मुद्दा है। इसको दो मिनट में ये लॉजिक को खत्म कर सकते हैं, बट ये टैम्परिंग के अलावा जो बड़े मुद्दे हैं उसके ऊपर ध्यान देना है और उसको प्रोपेगेंडा बहुत ही जरूरी है आज के दिन में, क्योंकि ये टैम्परिंग होता या नहीं होता कि ये जो खेल है, ये अपोजिशन और रूलिंग पार्टी का जो खेल है, ये खेल में फिर हमको नुकसान होने वाला है। बाबा साहब अंबेडकर 1956 के एक बीबीसी के इंटरव्यू में कहे थे कि बहुत ही जल्दी फास्ट फेज में देश को फ्रीडम मिल गया, अगर ये स्लो फेज में मिलता होता तो लोगों को इसका वैल्यू पता होता, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ये पता होता, उनका हक और अधिकार उनको ट्रू स्पिरिट में मिलता होता। तो दोस्तों एक सिस्टम के विरोध में, केवल विरोध में रहना चाहिए, ये विरोध में अगर हम है तो हम कोई भी आंदोलन को खड़ा नहीं कर सकते हैं और कोई भी आंदोलन सफल भी होगा। हम उसके ट्रू स्पिरिट जानना चाहिए, हमारे हक और अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, तभी हम कोई भी आंदोलन को सक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो 5 क्राइटेरियाज है, वो 5 क्राइटेरियाज में आपको 6 क्राइटेरिया आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप मुझे बोलिए कि मैं जब सवाल करूंगा आप मुझे बोलिए कि आपको कौन सा ऐसा राइट आपको मिला था वोट करते समय। एक है, पहला कंडीशन है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में, कि एक वोटर को, हरेक वोटर को आइडेंटिफाई करना चाहिए क्या ये वोटर है या नहीं। आपको आधार कार्ड लेकर जाते हैं या कोई भी आईडी प्रूफ लेकर जाते हैं इलेक्शन को जाते समय, शायद आपको याद होगा आपको ये वेरीफाई करना पड़ता है कि मैं ही रियल कैंडिडेट हूं, वोटर हूं, ये आपको वेरीफाई करना पड़ता है। वो वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको वोट डालने के लिए मौका देगा, ये कंडीशन फुलफिल होता है। दूसरा कंडीशन है आपको केवल एक ही वोट डालने का मौका मिलेगा, आप 2 या 3 वोट, मैं रिगिंग की बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल जो वोट है वो केवल आपको एक ही मिलेगा, केवल आप एक ही वोट डाल सकते हैं, ये भी आपको कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तीसरा है बैलेट पेपर्स वोटिंग के बाद में सिक्योर होना चाहिए और उसमें एडिशनल वोट्स डालने का व्यवस्था नहीं होना चाहिए, वो सील होना चाहिए। ये भी बैलेट पेपर्स जब थे तब ये भी कंडीशन फुलफिल होता था। और फोर्थ कंडीशन जो है ये इलेक्शन कमीशन का काफी एम्फसाइज इसके ऊपर करता है जो गलत है, बैलेट काउंटिंग के दौरान कैंडिडेट के सामने बैलेट को खोलना चाहिए और काउंटिंग करना चाहिए, और काउंटिंग करते समय यह प्रोसेस रिवील नहीं होना चाहिए कि वोटिंग का पैटर्न क्या था, मतलब पहला वोटर दिया सीरियल नंबर में, उसका वो पहला वोटर कौन सा पार्टी को वोट दिया, सेकंड वोटर किसको वोट दिया, यह पता नहीं होना चाहिए। दोस्तों केरल के एक हाईकोर्ट का जजमेंट, हाईकोर्ट का केस चल रहा था, वो केस चलते समय इलेक्शन कमीशन को यह प्रूव करना पड़ा कि सीरियल ऑर्डर में कौन सा फर्स्ट वोट किस पार्टी को गया था, सेकंड वोट किस पार्टी को गया था, क्या यह वायोलेशन नहीं है, यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का वायोलेशन है। इसके ऊपर आज तक कोई भी आवाज नहीं उठाया बामसेफ के अलावा, क्योंकि जानते ही नहीं। और इलेक्शन कमीशन का बार बार यही कहता रहता है कि वोटर सीक्रेसी होना चाहिए, सीक्रेसी का अर्थ आप बदल दिए, सीक्रेसी केवल हमको होना चाहिए आपके पास नहीं, सीक्रेसी ऑफ वोटर का मतलब इलेक्शन कमीशन को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि वोटिंग पैटर्न कैसा रहा, कौन सा वोट
कौन सा वोटर कौन सा पार्टी को दिया ये इलेक्शन कमीशन को भी पता नहीं चलना चाहिए, बट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वो फिर से प्रिंट करके ये बता सकते हैं कि सीरियल ऑर्डर में कौन सा वोट किसको पड़ा। ये तो टेक्निकल मुद्दा है, हम जानते नहीं है। जो वोटर के डायरेक्ट रिलेशन में है वो पॉइंट नंबर 5 है, जिसमें अगर रिजल्ट अनाउंस करने के बाद में कोई भी वोटर को या कैंडिडेट को शक आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या मेरा रिकाउंटिंग करना चाहिए, यह गलत काउंटिंग था, यह रिकाउंटिंग होना चाहिए, तो कंडीशन यह है कि अलग सेट ऑफ एजेंट्स या मेंबर्स से पूरा बैलेट पेपर्स को फिर से दोबारा काउंटिंग करवाना चाहिए। मतलब अभी मैंने काउंटिंग किया और आप में कोई कैंडिडेट थे और आपको शक हुआ कि मैं काउंटिंग गलत किया, तो आप ये डिमांड कर सकते हैं कि रिकाउंटिंग होना चाहिए, तो रिकाउंटिंग मैं नहीं करूंगा, दूसरा एजेंट करेगा। अभी आप मुझे बताइए कि आप जब रिकाउंटिंग का सिचुएशन देखे, अगर कोई देखे होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली कैंडिडेट्स देखे होंगे रिकाउंटिंग अगर वो अलाउ किए तो ये अलग एजेंट्स इसको काउंट नहीं करते हैं। अगर अलग एजेंट्स काउंट करे भी तो सेम ईवीएम मशीन को तो काउंट कर रहे हैं, ईवीएम मशीन में तो चेंज नहीं है। मतलब हर एक इंडिविजुअल वोट को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। बैलेट पेपर में कैसा था, ये एक कागज था, इसके एक अगर ये दो वोट है या ये तीन वोट है, तो जब कॉन्फ्लिक्ट में आ गया मैं ये वोट को निकालूंगा और देखूंगा ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है और ये कम्युनिस्ट का है, ऐसा मैं वेरीफाई करूंगा। अब ईवीएम मशीन में मुझे बताइए कि आपको कभी ऐसा इंडिविजुअल वोट को वेरीफाई करते हुए आप देखे? चलो रिकाउंटिंग की बात छोड़ दो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जो आखिरी मुद्दा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से हम आज कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, वो ये है कि हर एक वोटर को अपना वोट सही पड़ा इसका एश्योरेंस होना चाहिए। क्या आप कभी देखे ईवीएम मशीन में आप वोट डालने के बाद में ये वोट कौन सा चिप में जा रहा है? आपको कभी पर्चा मिला? आपको कभी एश्योरेंस मिला कि आपका वोट सही था? चलो अभी आपको डाउट आ गया, क्या इलेक्शन कमीशन इसको वेरीफाई करवा सकता है? तो दोस्तों ये जो 6 प्रमाण है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, ये 6 में से कम से कम 3 प्रमाण जैसा है, 2 प्रमाण डायरेक्टली और 1 इनडायरेक्टली वायोलेट करता है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का।